रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सभी विधायकों की वर्चुअल बैठक ली और उनसे उनके जिले की जानकारी भी ली। इस बैठक में रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक ने मुख्यमंत्री के पास प्रमुख तीन मांगे रखी। उन तीनों ही मांगों को तत्काल मुख्यमंत्री ने मंजूरी देते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सभी विधायकों की वर्चुअल बैठक ली और उनसे उनके जिलों की जानकारी भी ली। इस बैठक में रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक ने मुख्यमंत्री के पास प्रमुख तीन मांगे रखी। उन तीनों ही मांगों को तत्काल मुख्यमंत्री ने हामी भरते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहली विधायक प्रकाश नायक ने मुख्यमंत्री से रायगढ़ के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग की। तत्काल मुख्यमंत्री ने हामी भरी। उसके बाद मनरेगा का कार्य शुरू करने की मांग की, जिससे कि वहां के मजदूरों को राहत मिल सके। इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने हामी भर दी है। साथ ही रायगढ़ विधायक ने रायगढ़ में टेस्टिंग हो रहे हैं उन सभी टेस्टिंग सेंटरों में एक अलग से काउंटर खुलवाकर दवा वितरण करने की मांग रखी। इस मांग को भी तत्काल पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। निश्चित तौर पर तीनों ही मांगे पूरी होने पर रायगढ़ की जनता को इसका लाभ मिलेगा। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुआ और कोरोना की जो रायगढ़ में स्थिति है पर चर्चा हुई। मैंने उनको बताया कि लगातार रायगढ़ में कोरोना के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं बजाय देश प्रदेश के अन्य हिस्सों के, इसलिए रायगढ़ जिले में रेमडेसिविर की इंजेक्शन की मांग बढ़ी है। इस पर आप से मैं चाहूँगा कि आप जल्दी इस पर आपूर्ति करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर हाँ कहा है और शीघ्र ही आपूर्ति की बात कही है। दूसरी बात मैंने कहा है कि जैसे ही कोरोना के सिम्टम दिखाई देते हैं लोगों पर, अगर हम उनको तत्काल उनको दवाई उपलब्ध करा दें तो शायद वो उनको हम हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए स्थिति न बने और वो बिना ऑक्सीजन के या बिना हॉस्पिटल जाए वो स्वस्थ हो सकते हैं। तो उस पर भी उन्होंने सहमति जताई है और कहा बताया भी है कि हमने दुर्ग जिले में, रायपुर जिले में, बालोद में ये अपनाया है कि हम जहाँ यहाँ पर टेस्टिंग हो रहा है उसके बगल में ही एक वहीं बगल में ही एक शिविर लगाकर हम दवाई के जब वितरण कर रहे हैं, तो उससे निश्चित रूप से कोरोना के संक्रमण में जो घातक संक्रमण है उसमें रोकथाम हुआ है। तीसरी बात मैंने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव हुआ है, साथ शहर में हुआ है, तो रोजगार गारंटी योजना से काम शुरू किया जाए। तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ पर संक्रमण कम है वहाँ नरेगा से काम खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर काम खोलना चाहिए। और इस संबंध में उन्होंने कहा है कि वो कलेक्टर और सीओ जिला प्रशासन से चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर मेरी सारी सुझावों को सीएम साहब ने माना है और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही रायगढ़ जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति हो जाएगी। दूसरी बात, जो लक्षण वाले जो मरीज हैं उनको अगर हम तत्काल दवाई देते हैं तो शायद हम उनको अस्पताल जाने की नौबत ना आए और नरेगा से काम भी मिलेगा। धन्यवाद। रायगढ़ से सुजीत कौर की रिपोर्ट।